हेलो और वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम बैलेंस शीट में कैसे नेगेटिव कैश का पता लगा सकते हैं और टैली प्राइम में कैसे लगाएंगे पता। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी एंट्री पास किया कर रखी है मैंने वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से लेजर्स में जाता हूँ, एक कंपनी हमारे पास है, पहले कंपनी देख लीजिए, अंशु स्पोर्ट, और ये 1 अप्रैल 2020 को पहली एंट्री इसमें हुई है। और हम डायरेक्टली डे बुक में चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये हमारी एंट्री है, ठीक है। ये एंट्री हमने पास कर दी, 28,000 रुपए का कुल खरीदारी हमने कर ली है। और यहां से बाहर आते हैं, यहां पे देख सकते हैं 28,000 रुपए का हमने पेमेंट भी कर दिया जबकि हमारे पास कैश है नहीं। ये रेड सिंबल ये शो कर रहा है कि आपके पास कैश नहीं है लेकिन फिर भी आपने एंट्री पास कर दी है, ठीक है। अब जब ये एंट्री हम पास करेंगे, जैसे मैं आपको पास करके दिखाता हूँ, इस एंट्री को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये जो पेमेंट किया है ना, इसको मैं अल्ट डी करके डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर दिया। अब देखिए, एक ही एंट्री हमारे पास है, ये हमने खरीदारी कर रखी है, कीबोर्ड खरीदा हमने, 70 आइटम हमने खरीदा है 400 रुपए के रेट से, तो कुल मिला के 28,000 रुपए यहाँ पे आ गया है। अब बाहर आते हैं, यहाँ पर हमको इसका पेमेंट करना है। पेमेंट कैसे करें, पेमेंट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा बाउचर्स में, और बाउचर्स में पेमेंट बाउचर में जाना पड़ेगा, F5 प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर क्या है, अगर हम डे बुक में जाते हैं, दो बार डी प्रेस करते हैं डे बुक में आ जाएंगे, और यहाँ से हम देखेंगे तो हमारे पास कोई भी एंट्री जो है रिसीव वाली कोई भी एंट्री नहीं है, और हमने परचेज किया है उधार में, ठीक है। इसका हमें जो चुकाना है, बिल चुकाना है, तो ये कैसे चुकाएंगे तो वो देख लेते हैं। हम बाहर आते हैं यहाँ से, और यहाँ से अब बैलेंस शीट में चलते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट में नेगेटिव कैश हमें पता चल जाएगा अगर एंट्री हुई होगी तो पहले पेमेंट कर लेते हैं तब चलते हैं। तो यहाँ से वी प्रेस करता हूँ, और यहाँ से पेमेंट के लिए 5 प्रेस करता हूँ। यहाँ पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा, और 28,000 रुपये हमें पेमेंट करना है, तो ये हमने पेमेंट किया, एंटर प्रेस किया अगेंस्ट रेफरेंस। और यहाँ पर देखिए, सीधा सीधा कैश जो है नेगेटिव यानी रेड में शो कर रहा है, और यहाँ पर नेगेटिव कैश की वार्निंग भी आ रही है। एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। कभी जो है, अगर आप बिगिनर हैं तो ऐसा काम आप कर जाते होंगे, लेकिन जब ऑडिट होता होगा तो वो पकड़ में आ जाता है। बैलेंस शीट में देखने का क्या तरीका हो सकता है वो बता देता हूँ। बैलेंस शीट में जाके इसको कैसे देखेंगे, जब चेक होगा तो कहाँ से पता चलेगा। ये बैलेंस शीट में चले जाइए, बैलेंस शीट में जाने के बाद आपको जाना है करंट एसेट में, ठीक है। तो ये जो करंट एसेट शो कर रहा है, यहां पर आप आ जाइए, करंट एसेट एंटर प्रेस कीजिए, और यहां पर आ जाइए आप कैश इन हैंड पर, एंटर प्रेस कीजिए। ये देख सकते हैं, ये कैश इन हैंड है, मंथली रिपोर्ट यहाँ पे मंथली आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, और अप्रैल की रिपोर्ट हम देख रहे हैं, अप्रैल में ही कैश हमारा नेगेटिव शो कर रहा है। तो ये देखिए, क्लोजिंग बैलेंस रेड में शो कर रहा है, इट मीन्स टू से कि आपका जो कैश है वो नेगेटिव में है। कितना नेगेटिव में है वो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है।